जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है और यहाँ पर तो भाई साहब रश बढ़ता जा रहा है। चलो अपन तो जारी रखते हैं अपनी शॉपिंग सरोजनी नगर। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग और माशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस कुछ दिनों में मेरे आने वाला बर्थडे, तो मेरे चाहने वालों ने बोला, मेरे लव्ड वंस ने बोला कि आज आपको शॉपिंग करवाने जाना है, तो मैंने सोचा आज मेरी शॉपिंग करने जाते हैं सरोजनी नगर मार्केट, क्योंकि मैं कभी गया नहीं हूँ वहाँ पर और फर्स्ट लोगों का मेरा सरोजनी नगर का। और मैंने सुना है वहाँ पर बहुत ट्रेंडिंग से कपड़े मिलते हैं और काफ़ी अच्छे स्टॉक के कपड़े मिलते हैं वहाँ पर, तो चलते हैं वहाँ से शॉपिंग करके आते हैं। तो मतलब ऐसा है कि 100,000 तरह की वैरायटी मिलेगी और प्राइस वही 150-160 रुपए का। 60 रुपए क्या है? देखो ये 120 रुपए की। हम थोड़ा सा, मैं तो बड़ी ऐसी जगह देख के लूँगा, पर ये आपको मेन मार्केट दिखा रहा हूँ मैं, जो यहाँ पर है। तो बड़े सस्ते सस्ते हैं यहाँ पर तो कपड़े, और अच्छी क्वालिटी भी है, लग रही है अच्छी क्वालिटी। मम्मी को लेके आना है किसी दिन ये मार्केट में ना, मम्मी को ऐसी मार्केट्स का बहुत ज़्यादा शौक है। और देखो वाइट शर्ट्स, ये सब 150-150 रुपये में है भाई। तो चलते हैं आगे, अभी और एक्सप्लोर करते हैं। बहुत रश है, बहुत चीख चिहाड़ा बुला रहे हैं लोग, रश बहुत ज़्यादा है, मज़ा आता है इस रश में घूमने। फिक्स प्राइस भी लिखा हुआ है ना वहाँ पर भी, जैसे 250 या 300 फिक्स प्राइस लिखा हुआ है। आप बोलोगे नहीं जी हम तो 200 की लेंगे, और आप चल लो वहाँ से, फिर वो लोग पीछे से आपको आवाज़ मार के दे ही देंगे। फिक्स प्राइस वगैरह कुछ नहीं होता है यहाँ पर। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है और यहाँ पर तो भाई साहब रश बढ़ता जा रहा है। चलो अपन तो जारी रखते हैं अपनी शॉपिंग सरोजनी नगर। हम यहाँ पर हलचल मच चुकी है क्योंकि कमेटी वाले इज़ इन द हाउस। कमेटी वालों के घुसते सारी सारी मार्केट उठा दी इन्होंने यहाँ से। भाई रोबो तो ऐसा हो। टेस्टी मोमोज खाऊंगा मैं, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना ठीक है। अब आउट टर्न होके खड़े हो जो। खाना इतना मस्त है ना ये पीछे वाले रेस्टोरेंट का, इतना रश है इस दिन के यहाँ पर मोमोज, मोमोज की चटनी, पाव भाजी सब बहुत टेस्टी था। तो अलविदा करते हैं हम सरोजनी नगर की मार्केट को। खूब शॉपिंग तो कर ली है, बहुत ज़्यादा मस्त एक्सपीरियंस रहा मेरा सरोजनी नगर का, बहुत ज़्यादा मस्त। मतलब बार्गेनिंग करोगे तो मतलब बहुत नीचे आ जाते हैं, मैं आपको एक अंदाज़ा नहीं बता सकता, मैं बहुत नीचे आ जाते हैं। और सामने ही मॉल भी है, आप यहाँ पर भी जा सकते हो टाइम पास करने के लिए। तो बहुत अच्छा ना फिर आएंगे, क्योंकि आज आया था तो मौसम भी बढ़िया हो गया, हवा चल रही है तो मस्त घूमे आज। अब इस जगह को करते हैं बाय बाय और चलते हैं घर। घर तो मैं आ चुका हूँ और आपको थोड़ी सी टिप्स देता हूँ मैं सरोजनी नगर में, अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हो। अब जैसे गर्मियों का सीज़न आ रहा है तो मैं आपको ये बोलूँगा कि 10-11 बजे के करीब आप चले जाओ, जैसे ही खुलती है शॉप्स, एक तो क्राउड कम मिलेगा और धूप भी कम होगी, और उसमें आप जाके शॉपिंग कराओगे, वरना इतना ज़्यादा क्राउड होता है ना वैसे आप खड़ने की जगह नहीं होती। दूसरी चीज़, अपने साथ कोई थैला वगैरह लेके जाना, क्योंकि वहाँ पर सारा सामान वो प्लास्टिक के बैग्स में मिलता है, वो हाथ धोने लग जाते हैं, जिसको पन्नी कहते हैं यहाँ पर, उसके अंदर मिलता है, उसके अंदर हाथ धोने लग जाते हैं पकड़ के, ठीक है। तीसरी चीज़, सस्ते से सस्ता सामान भी है वहाँ पर, 100 रुपये की टी शर्ट, 50 रुपये की, 150 रुपये की, पर अगर आप अच्छी क्वालिटी की देखना चाहते हैं ना, 500-1000 वैसा भी सामान है वहाँ पर, जिसे मैं भी लेके आया हूँ काफ़ी अच्छा स्टफ, पर उसके लिए आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। पर मेनली वो मार्केट है बजट के लिए, और स्टफ़ एक नंबर है। अगर आप जाओगे वहाँ पर, कपड़े एक से एक पड़ा है, प्राइस एक से एक है, हर प्राइस टूटता है, फिक्स प्राइस को भी अगर आप बार्गेन करोगे तो वो भी कम करेंगे, तो काफ़ी अच्छी मार्केट है। मुझे मानो तो बेस्ट मार्केट लगी दिल्ली के अंदर, वो रोहिणी के बाद ये सबसे बेस्ट मार्केट लगी मुझे खुद पर्सनली घूमने में। खाने पीने का सामान भी बहुत अच्छा था, अच्छा टाइम पास होगा अगर आप जाओगे यहाँ पर। तो आ जाए IPL का मैच,
अब आते हैं आईपीएल के ऊपर। आज आईपीएल का मैच है आरसीबी का लखनऊ के साथ है, शायद लखनऊ पता नहीं लखनऊ के साथ ही है। तो अगर आज आरसीबी नहीं जीती, ठीक है, मैं 2008 से कॉन्टीन्यूसली आरसीबी का फ़ैन हूँ, हर किसी से मैं आरसीबी के लिए बहस करता आया हूँ, अगर आज का मैच आरसीबी नहीं जीती, मैं आज के बाद ना आरसीबी का सपोर्ट करूँगा ना आरसीबी का मैच देखूँगा। तो देखते हैं आजकल क्या होता है। बोल तो देते हैं कि आरसीबी का नहीं फैन रहेंगे, जैसे मैंने भी बोला, पर जिस हिसाब से टीम खेलती है ना, और आपको ही पता है कि हारना जीतना सब एक साइड होता है, पर जिस हिसाब से जिस इंटेंट से ये टीम खेलती है, कोहली ने 60 स्कोर बनाए, अब तीसरा छक्का पड़ा इस ओवर के अंदर, और फाफ ड्यू प्लेसिस ने जो छक्का मारा है वो सबसे लंबा छक्का मारा है अभी तक का आईपीएल का, 116 मीटर का। तो और मतलब इतना परफेक्ट खेलती है, जब खेलने पाए तो बहुत परफेक्ट खेलती है। इस जैसे टीम मैंने कोई खेलती देखी नहीं कि जो ऑल ओवर टीम इतनी स्ट्रॉन्ग हो, जब टीम एक जैसी खेलती है ना, ये इसके मुकाबले की कोई टीम नहीं है। अब जैसे मुंबई इंडियन कुछ भी नहीं है, बुमराह बाहर गया, हार्दिक बाहर गया, कुणाल पांडे बाहर गया, कुछ भी नहीं है मुंबई इंडियंस। तो इस टीम के साथ थोड़ा सा खास इस वजह से लगा हुआ है। गाइस घर तो मैं आ चुका हूँ और कपड़े वगैरह भी मैंने चेंज कर लिए हैं, और आरसीबी मैच तो हार चुकी थी, पर जो इनके खेलने का स्टाइल है ना, हर बार वही दिन जीत लेता है कि मतलब ऐसा खेलो कि हार जीत की परवाह नहीं। मतलब 2020 हम इसीलिए देखते हैं कि फन आता है, मतलब एक एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, और फास्ट गेम प्ले देखने के लिए हम T20 देखते हैं, तो ये वैसा गेम प्ले हमें देते हैं। बाकी पसंद करना ना पसंद करना सबकी इंडिविजुअल चॉइस है। और हाँ, जो मैं कपड़े वगैरह लेके आए हैं वो आपको मेरे देखने को मिलेंगे मेरे बर्थडे वाले ब्लॉग में, क्योंकि वो है मेरे बर्थडे के, तो वो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा आपको। तो एक आधे दिन में मेरा बर्थडे आपको तब देखने को मिल ही जाएगा। तो करते हैं अभी इस ब्लॉग को ही एंड। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।